खबर कांकेर से, जहां पर शहर के मिनी स्टेडियम से सटे छोटे व्यापारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पालिका की टीम ने 52 छोटे व्यापारियों को नोटिस थमाकर 3 दिन के भीतर अपनी गुमटी हटाने का आदेश दिया। अचानक नोटिस देखकर सभी व्यापारी परेशान हो गए। दरअसल पालिका ने ही वर्ष 2006 में मिनी स्टेडियम के किनारे छोटी मोटी बहुत सी गुमटियों का निर्माण कराया था ताकि छोटे और गरीब तबके के लोग इस जगह पर दुकान संचालित करके अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन अचानक इतने सालों बाद नोटिस मिलने से सभी दुकानदार परेशान हो गए हैं। परेशान व्यापारियों को पालिका अध्यक्ष से चर्चा की गई तो पालिका अध्यक्ष ने दुकान नहीं हटाए जाने का आश्वासन उन्हें दिया है। नगर पालिका ने व्यापारियों को हटाने का निर्देश दे दिया है। उसी नगर पालिका ने 6 साल में इनको व्यवस्थापन के तहत बताया था, हर बार इनको हटाना, हर बार इनको बताना। ये बड़े लोग तो हैं नहीं, डेली कमा करके अपना घर चलाते हैं। या तकरीबन परिवार की जिम्मेदारी ले ले प्रशासन और जहाँ हटाना हटा दे, बंद करवा दे। एक तरफ रोजगार नहीं है देश में। जो नोटिस दिया गया हमारे गुमटी वाले भाइयों को, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ये खुद यहाँ पर नहीं बसे, इनको स्थापन के तहत बसाया गया है और गरीब लोग, गरीब तबके के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे मोटे तबके के व्यापारी हैं। और जिस प्रकार से इनका स्थापन किया गया था, इनके बाद इनको संभलने में इतने वर्ष लगे हैं। अब ले देखे जब ये लोग थोड़ा सा अपना कार्यक्रम रोजी रोटी में लगे हैं, उस बाद फिर इनको हटाया जा रहा है, गलत है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में है और ये ठीक बात नहीं है। गरीबों के साथ खिलवाड़ हम सहन नहीं करेंगे। वालों को नोटिस जरूर दिया गया लेकिन उनको हटाया नहीं जाएगा। अभी जो काम चल रहे हैं उसके कारण उनको थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे और जैसे बनेगा ना उसमें जो दुकानें बन रही हैं उसको गुमटी वालों को पहले देंगे फिर हटाएंगे। तो उनको वहीं स्थापित किया जाएगा, फिर दुकान वहीं पे स्थापित किया जाएगा, प्रभावित नहीं होंगे, कोई प्रभावित। ग्वालियर से